राज्यसभा ने माल्या का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस वक्त ये बड़ी खबर, राज्यसभा ने माल्या का इस्तीफा मंजूर किया। तो लगातार आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, राज्यसभा ने आखिरकार माल्या का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो राज्यसभा ने माल्या का इस्तीफा मंजूर किया, इस वक्त की बड़ी खबर। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल तो एथिक्स कमेटी ने सस्पेंड करने की बात की थी, लेकिन इस्तीफा मंजूर किया गया है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर। हम अपने दर्शकों को बता दें कि राज्यसभा ने माल्या के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस वक्त माल्या के, राज्यसभा ने माल्या के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। और कल एथिक्स कमेटी ने विजय माल्या को राज्यसभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की सिफारिश की। एथिक्स कमेटी की सिफारिश मंजूर नहीं की गई है और माल्या, आपको बता दें, उनका इस्तीफा अब मंजूर कर लिया गया है। हालांकि इससे पहले एथिक्स कमेटी ने भी ये तर्क दिया था कि ये जो फैसला लिया गया, इससे ये संदेश जाएगा कहीं ना कहीं कि सदन के जो सदस्य हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा अगर वो किसी तरीके का कोई भी गलत काम करते हैं। आलोक है हमारे संवाददाता इस वक्त। आलोक, माल्या का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और एथिक्स कमेटी की जो सिफारिशें थी उन्हें नहीं माना गया। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ा ही सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हो सकता है कि विजय माल्या की इस्तीफे को ही स्वीकार कर लीजिए। हालांकि एथिक्स कमेटी ने बड़े ही सख्त अपनी सिफारिश दी थी विजय माल्या पर उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के चेयरमैन ये कहते हुए कि उनके जो 3 तारीख को उन्होंने जो भेजा था, जो रेजिग्नेशन लेटर भेजा है, उसी को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है और देखें तो विजय माल्या को कहीं ना कहीं अब जो एमपी होने का एक प्रिविलेज, जो आने वाले दिनों में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी कार्रवाइयां होंगी पुलिस की तरफ से, ईडी की तरफ से, तमाम जो भी उसमें मिलेंगी, तो ये एक बड़ी खबर है और ये एक देखने वाली बात होगी कि आगे विजय माल्या का क्या होता है। लेकिन ये बड़ी राहत कह सकते हैं विजय माल्या के लिए। ये बताइए कि इससे पहले तो एथिक्स कमेटी ने ये तर्क भी दिया था, लगातार कहा जा रहा था एथिक्स कमेटी की तरफ से कि ऐसा संदेश लोगों के पास जाना चाहिए कि अगर कोई गलत काम भी करता है और सदन का सदस्य है तो कम से कम ये संदेश तो जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये बहुत ही सरप्राइजिंगली कदम लिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये एथिक्स कमेटी ने अपनी तरफ से पूरी इसी तरह से ये सिफारिश करी थी, बहुत कठोर सिफारिश करी थी कि पार्लियामेंट की जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल नहीं होने देना चाहिए, उनकी डिग्निटी, पार्लियामेंट की डिग्निटी और जो प्रेस्टीज है उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, इस तरह की बातें कही थी एथिक्स कमेटी ने। लेकिन ये एक बड़ा ही सरप्राइजिंग मूव रहा है, जब मोशन लाया गया चेयर की तरफ से तो उसमें साफ तौर पर कह गया 3 तारीख को जो विजय माल्या ने इस्तीफा भेजा था उसी को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखना होगा कि तमाम जितने भी लोग हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। और अगर देखें तो